चैन साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी बेस कंसेप्ट में। प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, आज हम आपके साथ एक विशेष टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है, अब पाकिस्तान को मिलेगा मेड इन इंडिया का वैक्सीन। प्यारे साथियों, यह क्वेश्चन सुनते ही आपके मन में, प्यारे साथियों, क्या हजार क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि अजय भी भाई पहले बताइएगा कि इंडिया क्यों पाकिस्तान को वैक्सीन दे रहा है, और मान लीजिए दे भी रहा है तो क्या पैसे लेगा या फ्री में दे रहा है। दूसरी बात, उस वैक्सीन का नाम बताइएगा जो हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा इंडिया पाकिस्तान को देने वाला है। प्यारे साथियों, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपके सामने एक तथ्य रखते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। प्यारे साथियों, वैक्सीन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट, क्या सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया भाई साहब क्या एक वैक्सीन है जिसका नाम है कोविशील्ड। क्या कोविशील्ड भाई साहब यही वैक्सीन पाकिस्तान को दी जाएगी और हमारा प्यारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत भाई साहब, इस पाकिस्तान जो कमीना पाकिस्तान है उसको भाई साहब क्या इस कोविशील्ड नामक जो वैक्सीन है उसको देने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, जो एक्सा जनिका भाई साहब क्या इसके द्वारा डेवलपमेंट की गई थी यह वैक्सीन, और भाई साहब क्या यही वैक्सीन, क्या कोविशील्ड वैक्सीन जो है यह भाई साहब किसको दी जाएगी, पाकिस्तान को दी जाएगी। तो आपके लिए जिज्ञासा उठ रही है भाई, बताइएगा क्या अपना भारत जो है, प्यारा भारत है, यह पाकिस्तान को क्या डायरेक्ट अपना वैक्सीन दे रहा है या किसी के माध्यम से दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा भाई साहब, क्या अपना इंडिया भाई साहब किसी के माध्यम से दे रहा है, और देखिए माध्यम क्या है उसको आप ध्यान सुनिएगा। प्यारे साथियों, पूरे विश्व में एक संस्था काम करती है जिसका नाम है गावी। क्या जिसका नाम है गावी, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए तो इससे कई क्वेश्चन प्यारे साथियों कंपटीशन पे आते हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। प्यारे साथियों, जो गावी है यह वैक्सीन भाई साहब किसी भी रोग का वैक्सीन हो भाई साहब क्या बराबर तरीके से बटे जाए, गरीब हो या अमीर हो सबको एक बराबर से प्यारे साथियों मिले, इसलिए संस्था काम करती है। और देखिए भाई साहब क्या संस्था का क्या नाम है प्यारे साथियों, तो देखिए द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनिटी। प्यारे साथियों, संस्था कैसे काम करती है इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए मैं आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। प्यारे साथियों, इस कंपनी के बारे में, जिस संस्था इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा भाई साहब, क्या यह 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, क्या भाई साहब 2000 में इसकी स्थापना हुई थी और 21 साल हो गया भाई साहब क्या इसकी स्थापना होते हुए। और ध्यान दीजिएगा भाई साहब, क्या आपके मन में जिज्ञासा होगी कि भाई साहब ये कहाँ की संस्था है, कैसे काम करती है। तो प्यारे साथियों, इस कंपनी भाई साहब क्या इस संस्था का भाई साहब हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। कहाँ था भाई साहब, जिनेवा में है। और आपके मन में जिज्ञासा होगी कि भाई जिनेवा कहाँ है, तो भाई साहब क्या स्विट्जरलैंड में। क्या भाई साहब जिनेवा आपका कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। प्यारे साथियों, यह जो संस्था है 2000 में प्यारे साथियों संस्था का स्थापना हुआ था, और इसका मुख्य काम क्या है पहले वो समझिएगा, देखिए तब और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्यारे साथियों, इसके मुख्य काम को समझिएगा। देखिए अब आपके मन जिज्ञासा हो रही है कि भाई साहब ये पैसा कहाँ से लाता है कि वैक्सीन खरीदता है और लोगों को बांटता है, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, चैरिटी का नाम सुने हैं ना, कि जो अमीर लोग होते हैं वह क्या करते हैं भाई साहब, वह दान करते हैं। तो देखिए यह इस प्रकार की संस्था है जिसमें प्रसन्न क्या, जिसमें देखिए बिल गेट्स भी इसमें क्या प्यारे साथियों इसके मेंबर हैं, और इंडिया क्या इंडिया खुद इसका मेंबर है, और इंडिया ने कहा है कि जहाँ तक हमारी पहुँच होगी, जहाँ तक प्यारे साथियों हमारी पहुँच होगी वहाँ तक हम इस संस्था का सहायता करेंगे, और कुछ वैक्सीन को हम फ्री में देंगे और कुछ वैक्सीन का हम पैसा लेंगे। और देखिए वर्ल्ड बैंक, क्या भाई साहब इसमें वर्ल्ड बैंक भी इसका मेंबर है, और प्यारे साथियों WHO यानी कि जो पैसे WHO है इसका क्या प्यारे साथियों इसका पार्टनर है और इसका मेंबर है। तो प्यारे साथियों, इसके पास अनेक प्रकार से पैसे आते हैं, और इस पैसे से क्या करता है भाई साहब, वैक्सीन को खरीद कर गरीबों में बांटता है, और कैसे बांटता है, कैसे काम करता है वो समझिएगा। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए मैं आपके तथ्य रख रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए अगर 2000 की बात करें प्यारे साथियों, अगर कोई बात नहीं जो वैक्सीन हो, जैसे HIP, देखिए HIP देखिए एक वैक्सीन होगा, पर देखिए यहाँ पे देखिएगा एक HIP वैक्सीन है भाई साहब, क्या यह वैक्सीन जब 2000 में आया था, तो देखिए जिनके पास पैसा रहता है वह भाई साहब क्या पैसे से अपना वैक्सीन खरीद लेते हैं और लगवा लेते हैं, और जो गरीब देश है, मान लीजिए जो गरीब देश है वह भाई साहब क्या वहाँ के लोगों को पैसा दियो, वहाँ के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाती है। इसलिए संसद जब 2000 भाई साहब स्थापना हुई, तो देखिए पहले जिसके पास भाई पैसा होता था वह वैक्सीन लगवाता था। देखिए 73% भाई साहब वैक्सीन किसको लगता था, जिसके पास पैसा है। देखिए 2000 की रिपोर्ट है, 73% भाई साहब जिसके पास पैसा है उसका पैसे में क्या वैक्सीन लगता था, और 3% भाई साहब ऐसे थे जिनको गरीब थे और जिनके पास पैसा नहीं था उनको वैक्सीन लगता था। लेकिन देखिए 2018 की बात की जाए भाई साहब, क्या 2018 की बात की जाए, देखिएगा 100% भाई साहब गरीबों को लग रहा है, 100% भाई साहब क्या अमीरों को लग रहा है। देखिए इस ग्राफ से आपको समझ में आएगा कि गावी का काम क्या, देखिए गावी का काम है कि मान लीजिए कोई बीमारी आ गई और उसका वैक्सीन बना, तो जिसके पास पैसा है वह भी इसको लगवाएं, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी लगवाएं। जैसे जो पैसा जो गरीब देश हैं
उनके पास पैसा नहीं है तो क्या करेंगे और कहाँ से पैसे वैक्सीन लेंगे। तो गाभी क्या करती है, जिनके पास वैक्सीन है उनसे लेकर भाई साहब क्या संस्था क्या करती है, जो गरीब देश है उनमें बांटती है और इस प्रकार से पैसा क्यों यह संस्था काम करती है। आगे और तथ्य रखता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ गया। देखिए प्यार साथियों, इस वैक्सीन भाई साहब क्या जो वैक्सीन है भाई साहब यह पाकिस्तान ले रहा है, किससे, गावी से लेगा और गावी क्या करेगा प्यार साथियों हमसे लेगा, क्या इंडिया से लेगा और क्या करेगा पाकिस्तान को देने वाला है। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अब आपके मन में जिज्ञासा उठ रही भाई साहब ये बताइएगा पहले कि पाकिस्तान कितना वैक्सीन ले रहा है, कितना डोज ले रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आपके सामने कुछ तथ्य है जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आए। प्यारे साथियों 100 मिलियन, क्या 100 मिलियन, देखिए क्या परसेंट 100 मिलियन जो वैक्सीन है वह गावी लेगा और गावी देखिए पाकिस्तान के पैसा क्या 45 मिलियन भाई साहब क्या डोज जो है वह देने वाला है। और ध्यान दीजिएगा भाई साहब जो गावी है वह भाई साहब इससे एक वैक्सीन की भाई साहब कीमत कितनी पड़ी है तो 200 रुपये, क्या 200 रुपये भाई साहब एक वैक्सीन की कीमत पड़ी है। और ध्यान दीजिएगा अगर इंडिया की बात करें, भले ही कोविशील्ड की वैक्सीन भाई साहब क्या 800 रुपये में हमारी इंडिया सरकार है खरीद रही है और हम लोग भले फ्री में वैक्सीन लगवा रही है, लेकिन भाई साहब जो वहाँ पे गावी है उसके द्वारा भाई साहब क्या 200 रुपये में खरीदा जाएगा और पाकिस्तान को भाई साहब फ्री में दिया जाएगा। और देखिए और आपके सामने तथ्य रखता हूँ जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए पहले सबसे ध्यान दीजिएगा, देखिए जो पाकिस्तान है भाई साहब इसको वैक्सीन दे रहा है इंडिया और इंडिया भाई दयावान है, कहती चलो अपना ही लड़का है भाई साहब, क्या बाप तो बाप होता है बेटा तो बेटा होता है ना, तो वैक्सीन तो पाकिस्तान क्या अपना एक प्रकार का बेटा है, तो बेटा नालायक निकले तो भाई साहब उसे मारते पीटते थोड़ी ना, उसको समझाते हैं ना, तो इंडिया भी क्या करेगा उसको वैक्सीन पैसा एक प्रकार से देगा और समझाएगा देखियो आतंकवाद मैंने कुछ नहीं रखा है, आप अच्छे से रहिए और इंडिया से मिल करिए तो आपको भी तरक्की मिलेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और जो पूरा इशू था आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्यारे साथियों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए और अपना प्रति इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद जय भारत।